देती है। ये यहाँ पर जो है टेम्परेचर कंट्रोलर है, मशीन के अंदर पानी का क्या टेम्परेचर है यहाँ से आप देख सकते हो। ये MCB स्विच भी हुआ है कंप्रेसर के लिए, अगर आपके वहाँ वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन होता है तो ये ट्रिप हो जाएगी ऑटोमेटिक। ये जो इंडिकेटर यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, देख रहे हैं ये वोल्टेज मीटर है, कितना वोल्टेज आपको आ रहा है लाइट में वो यहाँ से शो करेगा। और ये जो ग्रीन इंडिकेटर दिया है हमने, ये जो पानी की मोटर होती है जिससे आपकी सोडा बनाती है मशीन, वो ऑन ऑफ होते हुए यहाँ से इंडिकेट हो जाएगा। दोस्तों ये आप जैसे वाल ये देख रहे हो मशीन के, ये हमने लेंसर कंपनी के डाले हुए वाल है, ये अच्छी क्वालिटी आती है, इसका जो फ्लो होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। ये आप देख सकते हो सिरप और सोडा दोनों को एडजस्ट करने का रेशियो भी यहाँ से दिया होता है, वो काफ़ी आसान होता है। इनकेस फ्यूचर में अगर आपको कुछ इसको सर्विस करना हो तो भी आप आसानी से इसको खुद ही कर सकते हो। अब ये वाल के अंदर दोस्तों आप ये देख सकते हो बीच में हमने यहाँ पर एक प्लेन सोडा के लिए लीवर दिया हुआ है एक्स्ट्रा, अगर आपको कुछ हाजमा हजम या कोई और एक्स्ट्रा फ्लेवर बनाना हो तो यहाँ से आप प्लेन सोडा निकाल के कस्टमर को सर्व कर सकते हो। दोस्तों ये जो पूरा मशीन है आप देख सकते हो, ये पूरा स्टेनलेस स्टील बनेगा उसके लिए सेपरेट टैंक देते हैं हम लोग, क्वालिटी सोडा मशीन जो है ये बिस्लरी मॉडल हम जिसको बोलते हैं। ये इसमें 60 लीटर का स्टोरेज है टैंक में, ऊपर आप 20 लीटर का बाउल भी चाहो तो रख सकते हो। ये बैक साइड में आप देख सकते हो दोस्तों, ये यहाँ पर स्टैंड के नीचे आप सारे के सारे फ्लेवर्स के जो कंटेनर होते हैं 20 लीटर वाले, वो इसमें आसानी से आप रख सकते हो, तो आपका जो दुकान का स्पेस है वो ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होगा, सारी टैंक जो है फ्लेवर मशीन के अंदर ही आ जाएगी। फिर मशीन में सोडा फाउंटेन मशीन, आप एक ग्लास बनाते हो सोडा का 250 ml का, अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्योर शुगर में अगर आप फ्लेवर बना रहे हो तो उसका कॉस्टिंग आपको 3 रुपये का आता है। इसमें आपका लाइट बिल, पानी, शक्कर, CO2 गैस, डिस्पोजेबल ग्लास सब कुछ ऐड हो जाता है, और मिनिमम 10 रुपीज़ में 10 रुपये में आप एक ग्लास सर्व कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी। और अगर आप कुछ उसमें नींबू फल वगैरह कुछ ऐड कर रहे हो या स्पेशल आप वेराइटी बना रहे हो तो 20 रुपये 30 रुपये में कस्टमर से आसानी से ले सकते हो। दोस्तों करने के लिए भी अलग से कंप्रेसर आता है। इसका जो आउटपुट है मशीन का, ये 1 घंटे में आप 150 से 200 को निकाल सकते हो। दोस्तों अब आगे से हम आपको बता देंगे, तो देख लो ये जो तीन जो नोजल दिए हुए हैं, ये दोनों में से अलग अलग आइसक्रीम निकलता है जो टैंक में हमने डाली होती है ऊपर, और बीच वाले नोजल में से ये जो आइसक्रीम है वो दोनों मिक्स होकर निकलता है। और इसका बिल्कुल सिंपल पैनल है यहाँ पर, ये पफ वाले से आप एक्स्ट्रा एयर इंजेक्ट करते हो आइसक्रीम में, एक क्लीनिंग वाला जो ऑप्शन है यहाँ से जब आइसक्रीम में आप इसको साफ करोगे हॉपर को मशीन को तो ये क्लीन वाले बटन से काम आएगा। ये ऑटो मोड करोगे आप, जब आपको आइसक्रीम निकालना है ऑटो कर दोगे कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। ये टाइमर वाला ऑप्शन अगर आपको इनकेस अगर पर्टिकुलर टाइम में बंद करना हो मशीन तो आप वो कर सकते हो। और यहाँ से इसकी हार्डनेस वगैरह सेट करने के लिए ऊपर से सेट का ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है सॉफ्टवेयर मशीन का भी, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको मशीन मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग का काफ़ी टेलर मशीन जो आते हैं वो जो भी गियर पंप या पिस्टन पंप वाले मशीन आते हैं, ठीक है कि आपको 3.5 लाख 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो ये मशीन जो है आपको बहुत ही कम दाम में मिल जाता है। दोस्तों आप खुद का भी सॉफ्टवेयर आइसक्रीम मशीन का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों अभी देखिए मशीन हम आपको बता रहे हैं 3.2 में इसकी हार्डनेस सेट की है अभी हमने, जैसे अभी जनवरी महीना चल रहा है तो अभी काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसको ऑटो मोड पे करेंगे, देखिए 200 कंप्रेसर ऑन हो चुका है। अगर आप डिस्प्ले में देखोगे कितना वोल्टेज आपको मिल रहा है वो बताएगा, यहाँ से शो करेगा। अगर वोल्टेज में कुछ फ्लक्चुएशन होगा, अगर 180 से नीचे जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, अगर 240 से ज़्यादा जाएगा तो भी मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो बेटर है अगर आपके वहाँ पर एरिया में अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है तो आप 3 kV का स्टेबलाइजर लेके उसको मशीन को ऑपरेट कीजिए, इसकी लाइफ जो है बढ़ जाए। अभी हम इसके अंदर से आपको आइसक्रीम निकाल के बताएंगे किस तरीके का आइसक्रीम इसमें मशीन बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक कोन होल्डर दिया जाता है मशीन में, यहाँ पर आपको कोन निकालना है और इस तरीके से आपको कोन को रखना है नीचे, और आपको इसको नोजल को सिर्फ आगे करना है, और ये देखिए ये कोन आपका निकल गया। ये एक कोन की कॉस्टिंग 8 रुपये से 8.5 रुपये दोस्तों, अगर आप इसको चॉकलेट में डीप करके दे रहे हो या इसको आप डेकोरेट करके दे रहे हो तो 30 रुपये से 50 रुपये भी आप कस्टमर से आसानी से ले सकते हो। दोस्तों ये आइसक्रीम की क्वालिटी आप देख सकते हो, कितनी अच्छी इसकी क्वालिटी है, कितनी अच्छी इसकी हार्डनेस है। अभी इसकी हार्डनेस आप देख सकते हो 2.8 है दोस्तों,
इसको मैक्सिमम 5 पर भी रखने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको सोडा फाउंटेन मशीन, चौकटी आइसक्रीम मशीन दोनों के बारे में पूरी पूरी जानकारी दी। क्या मशीन की कॉस्टिंग, मतलब क्या इसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको मिल जाता है, क्या इसका प्रोडक्ट बनाने की कॉस्टिंग है, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी। दोस्तों हमारी जो कंपनी है क्वालिटी सोडा मशीन, हम जिस तरीके से नाम है हमारा उस तरीके से ही मशीन बनाने में मानती है, और आपका सेल्स सर्विस जो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं दोस्तों, क्योंकि मशीन लेने के बाद में कस्टमर को ज़्यादा जरूरत होती है कंपनी की। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं क्वालिटी सोडा मशीन से मशीन परचेज करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको मशीन की क्वालिटी में और मशीन लेने के बाद में सर्विस में भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों इस तरीके की मशीन लेने के लिए आप हमारी कंपनी में आ सकते हैं, या हमारे नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर आप कॉल करके भी इसकी पूरी पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।